हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयान और आप देख रहे हैं टारगेट टेक यूट्यूब चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप आसानी से PNG इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है आपको freepngimage.com, freepngimage.com। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपके सामने जो वेबसाइट अब खुल गया है। आप नीचे जैसे आइएगा देखिएगा, इसमें हर तरह का आपको PNG इमेजेस यहाँ अवेलेबल है। अब यहाँ से जो भी चाहे आप इमेज को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं होम फ्रेम आइकन, आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप यहाँ से सर्च करके भी आप जिस तरह की इमेज आपको चाहिए आपको यूज के हिसाब से आप उसे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। किसी चीज़ को अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने इस पर क्लिक किया, देख रहे फ्रेंड्स यहाँ पर हर तरह का एनिमल्स है, आर्टिस्टिक है, ब्रांड्स है, कार्स है, कार्टून, आपको जिस तरह की इमेज चाहिए आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे मैंने कार्स पर क्लिक किया, फ्रेंड्स देख रहे हैं क्या, जैसे ही मैंने अब कार्स पर इमेज किया, देखिए कार का इमेज जितना भी PNG इमेज था वो सामने आ गया। तो आप किसी भी इमेज को यहाँ पर यहाँ से यूज कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ मेरे डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, ये डेस्कटॉप मेरा सेव हो गया। तो इस तरह इमेज को हम लोग सेव करेंगे और इसे बैनर, वेबसाइट या किसी तरह के डिज़ाइन में आसानी से आपको इसको, या फिर कोई भी डिज़ाइन में आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को और खूबसूरत बना सकते हैं। फ्रेंड, इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है आपका pngmart.com, pngmart.com। फ्रेंड्स, ये जितनी भी वेबसाइट मैं बता रहा हूँ इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। फ्रेंड, देख रहे हैं आपके सामने ये pngmart वेबसाइट है, ये भी खुल गया है। यहाँ पे आपको हर तरह का इमेज इजीली मिल जाएगा, जिस तरह की इमेज आपको चाहिए PNG इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहिए तो देखिए कैलेंडर 2020 जो अभी नया नया साल है वहाँ का भी आप इमेज ले सकते हैं। आप चाहे तो वैलेंटाइन डे जो भी आ रहा है उसके बाद उसके लिए भी आप ले सकते हैं इमेज, मदर डे, हर तरह का यहाँ पर इमेज आपको मिल जाएगा। हर तरह का इमेज यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा, जिस तरह की इमेज आपको चाहिए। जैसे मुझे वेब डिज़ाइन में चाहिए तो मैं वेब डिज़ाइन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, देख रहे हैं वेब डिज़ाइन से रिलेटेड जितना भी जो मेरा PNG इमेजेस है वो आपके सामने आ गया है। तो इस इमेज को आप आसानी से यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग करके आप डेस्कटॉप ला कर छोड़ दें, यहाँ सेव हो जाएगा आपको। या फिर सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से सेव एज से आप डेस्कटॉप पर सेव कर दें या जहाँ आपको मैंने वहाँ सेव कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है वेबसाइट फ्रेंड्स। इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है आपका stickpng.com, stickpng.com। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका stickpng.com भी खुल गया है। ये कुछ इस तरह का आपका आपके सामने खुलेगा। फ्रेंड्स, आप चाहे जिस तरह का आपको यहाँ से आपको
PNG चाहिए वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ भी सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ सब सर्च कर सकते हैं, किसी भी इमेज को आप आसानी सर्च कर सकते हैं। किसी एक पर क्लिक करें आप, देख रहे फ्रेंड्स यहाँ पर हर तरह का आपको इमेज अवेलेबल है। इसी तरह आप इसको डाउनलोड करें, इसे सेव करें, इसको अपने डिज़ाइन पे यूज़ करें। फ्रेंड्स इस लिस्ट में चौथा नाम है png.com, png.com। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे png.com खुल गया है। फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पर हर तरह का आपको png इमेज यहाँ पर भी अवेलेबल है। आप किसी इमेज को एडिट कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे हेयर का है, इमेज है, तो हर तरह का इमेज, हर वेबसाइट पे हर तरह के इमेज अवेलेबल है, अवेलेबल है। यहाँ पर भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, इसमें भी सर्च का ऑप्शन है, आपको जिस तरह का इमेज चाहिए यहाँ पर सर्च कर लें। फ्रेंड जैसे मैंने इस किसी भी इमेज पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं इसको भी सेव करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे PNG फॉर्मेट पे सेव कर सकते हैं आप सब, PNG पिक्चर है तो इसको इजीली आप सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस लिस्ट में जो पांचवा नाम है वो है photoshopcopona.com, pscopona.com। फ्रेंड्स आपके सामने photoshopcopona.com खुल गया है, यहाँ पे आप चाहे तो हर तरह के PNG इमेजेस को यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ से देख रहे हैं टेम्पलेट भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी टेम्पलेट वगैरह को आप अपने डिज़ाइन के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। किसी एक पर आप क्लिक करके अब इसको सेव करके यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसको क्लिक किया, देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये PNG इमेज, इसको आप चाहे तो यहाँ सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ये मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप सेव कर दिया, मेरा सेव हो गया। इस तरह से आप कोई भी इमेजेस को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस लिस्ट में छठा नाम है cleanpng.com, cleanpng.com। फ्रेंड्स आपके सामने देख रहे हैं कि इस तरह का आपका cleanpng.com वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर तरह का कार्टून फ्रेम, एरो, फ्लावर, ट्री, हर्ट, हर तरह का आपको PNG इमेज यहाँ अवेलेबल है। आप यहाँ जाके सर्च भी कर सकते हैं, देख रहे फ्रेंड्स। तो आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक जिस तरह आपको PNG यहाँ पे चाहिए होगा, आप इसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस लिस्ट में आपका सातवा नाम है png.com, png.com। फ्रेंड्स आपके सामने png.com भी खुल गया है, आप यहाँ से जिस तरह के चाहे PNGs के यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि ये PNG देख रहे हैं आप, तो इसको आप किसी भी डिज़ाइन में आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं बहुत सारे बैनर डिज़ाइन पे, अब इस तरह का डिज़ाइन को आपकी ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि इसका PNG यहाँ से अवेलेबल है, आप इसे किसी भी बैनर या डिज़ाइन में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड इस वेबसाइट का एक फ़ायदा ये भी है कि यह बैकग्राउंड के साथ होता है, यहाँ आपको हर तरह का बैकग्राउंड भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं, तो ये वेबसाइट का ये फ़ायदा है। फ्रेंड्स इस लिस्ट में जो आठवां नाम है वो है pngpics.com, pngpics
com फ्रेंड्स, ये भी एक PNG वेबसाइट है। यहाँ से भी अब हर तरह का वेबसाइट फ्रेंड्स, ये भी एक PNG वेबसाइट है। यहाँ पे हर तरह का इमेज, PNG इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। देख रहे फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग कोई थंबनेल को डिजाइन कर रहे होते हैं तो इस तरह का PNG इमेज की ज़रूरत पड़ता है। तो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देख रहे फ्रेंड्स कि ये जो PNG इमेजेस आ गया है। आप इसे किसी भी बैनर या फिर डिज़ाइन वगैरह, थंबनेल वगैरह में इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद वेबसाइट है ये, आप इसको यूज़ करें, डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में 9वें नंबर पे है PNGimage.com, PNGimage.com .com फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपके सामने फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपके सामने PNGimage.com भी खुल गया। आप जिस तरह के PNG इमेज आपको चाहिए, यहाँ पे आप सारा अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके उस इमेज को यूज कर सकते हैं। सपोज़ मैं बर्ड्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो बर्ड्स से रिलेटेड जितना भी PNG इमेजेस हैं वो आपके सामने आ गया। आप किसी भी इमेज को क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में 10वां नंबर है, वो है आपका kisspng.com, kisspng.com। ये वेबसाइट पे भी जा करके आप PNG इमेज आपको आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक ऑप्शन आपके सामने और भी होता है, जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं PNG बाइक इमेज, तो जितना भी जो बाइक से रिलेटेड PNG इमेजेस है वो यहाँ पे मुझे मिल जाता है। देख रहे हैं, किसी भी क्लिक कीजिएगा तो ये आपका PNG इमेजेस, देख रहे हैं कि ये PNG इमेजेस है। तो आप यहाँ से भी PNG इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब वेबसाइट बताने का फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी हम लोग किसी इमेज को सर्च कर रहे होते हैं और उससे भी अच्छा मुझे इमेज मिल जाता है तो उसे हम लोग सेव कर लेते हैं और कोई भी डिज़ाइन में उसे यूज कर लेते हैं, और हमें गूगल पे इमेज को सर्च करना पड़ता है तब जाके मुझे इमेज दिखता है। और बहुत सारा ऐसा भी इमेज है जिसको हम लोग को की पता नहीं होता है कि इसे कैसे सर्च करें। तो इस वेबसाइट, जितना भी वेबसाइट मैंने बताया आपको, तो इस वेबसाइट का यही फ़ायदा है दोस्तों कि हमें सर्च नहीं करना पड़ता है। वेबसाइट बहुत सारे इमेज ऐसे भी आपको दिख रही होती है, जैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको इमेज आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, और हम इमेज जो भी इमेज को देखते हैं उसे, जो इमेज मुझे अच्छा लगता है, हम उसे नॉर्मली उसे सेव कर लेते हैं और कोई भी डिजाइन में उसे यूज कर लेते हैं। तो यही फ़र्क होता है, और गूगल पे हमें सर्च करना पड़ता है। तो यही फ़र्क है गूगल पे और इस वेबसाइट पे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस वेबसाइट पे, जितने से मैंने वेबसाइट बताया उस पर विज़िट करें, उसे आप यूज़ करें और PNG इमेजेस को डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेकर के। थैंक यू सो मच।